सबने मुझे कहा कि लड़की क्राइम की बीट कैसे कवर करेगी। एम्बेरसमेंट महसूस हुई और मेरी आंखों में लिटरली उस टाइम आंसू थे। तो उन्होंने मुझे कहा जाओ बेटा माफ करो। लड़की जो है वो थाने जा रही। हरासमेंट अगर किसी भी फीमेल को अगर इस तरह का कोई इशू फेस करना पड़ा है तो उसको मैं सबसे मेरी टॉप प्रायोरिटी होती है। तकरीबन रात को 4:15 बजे मोनाल और दामने को मैं खड़ी रही हूँ। जहाँ पर आप दब जाते हैं वहाँ सामने वाला जो है वो आपको दबाता है। आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो बहुत मैटर करती है। मेरा खुद का भी इंटरेस्ट था, मुझसे पूछा गया। एक महीना मुझे टेस्ट करने के बाद जो है वो बीट हैंड ओवर की गई। नो डाउट कि एक बड़ी टफ बीट है क्योंकि थाने कचहरी में जहाँ नॉर्मल रूटीन में अगर किसी खातून का अपना केस होता है तो उसके लिए भी थाने कचहरी में जाना बड़ा मायूस समझा जाता है लड़कियों का, कि लड़की जो है वो थाने जा रही। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको क्राइम की बीट मिल जाए और आपने डेली बेसिस पे उन थाने कचहरियों के चक्कर लगाने हैं तो ऑब्वियसली बड़ी टफ सिचुएशन होती है। लेकिन चूंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट क्राइम की बीट में इतना ज़्यादा था कि इन चीज़ों ने शायद मुझे उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं किया, तो बड़ा मज़ा मुझे अभी तक तो आ रहा है इस बीट को जो है वो कवर करने में। हाँ, टफ सिचुएशन ज़रूर है क्योंकि अगर कहीं फायरिंग हो जाए, कहीं डकैती हो जाए, कहीं रेप हो जाए किसी का, खुदा ना ख्वास्ता किसी बच्चे के साथ कोई हादसा पेश आ जाए, वो दिन हो या रात हो, आपको जो है वो 24/7 अवेलेबल रहना पड़ता है। हादसा आपको पता है कि वो तो टाइम देख के नहीं होते। हाँ, ये ज़रूर है कि फील्ड में जब आप जाते हैं ओबियसली पुलिस डिपार्टमेंट और फिर थाने कचहरियों में जाने का जो एक हमारे यहाँ जिस तरह से समझा जाता है वो एक माशरी का थोड़ा सा, जब नई नई मैंने क्राइम की बीट स्टार्ट की तो ऑब्वियसली सब ने मुझे कहा कि लड़की क्राइम की बीट कैसे कवर करेगी। लेकिन फिर जो मेरे क्राइम रिपोर्टर्स हैं वो बड़े सपोर्टिव हैं कि अगर किसी इवेंट पे खुदा ना ख्वास्ता कभी मैं लेट हो जाऊँ या कोई मुझे प्रॉब्लम पेश आ रही हो तो मेरे जो बीट रिपोर्टर्स हैं वो भी मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं, और उनकी सपोर्ट से और ऑफिस कुलीग्स की जो सपोर्ट है उन सारों की वजह से शायद मुझे उतने चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे ऑफिस वालों ने मुझे कभी एज अ फीमेल रिपोर्टर जो है वो ट्रीट नहीं किया। अगर मेरे ऑफिस को रात को 4 बजे भी कवरेज में कहीं मेरी अगर ज़रूरत पड़ी है तो मैं वहाँ पर पहुँची हूँ। अगर हम बात करें, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि न्यू ईयर की जो कवरेज होती है वो मैं करती हूँ, और फिर नए साल का जो पहला सूरज निकलता है उसके लिए मैं कई दफ़ा जो है मैं तकरीबन रात को 4:15 बजे मोनाल और दामने को मैं खड़ी रही हूँ उस सूरज को निकलता हुआ देखने के लिए और उसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो मेरे ऑफिस ने कभी मुझे जो है वो एज अ फीमेल रिपोर्टर ट्रीट नहीं किया। ऑफिस की तरफ से मुझे भरपूर सपोर्ट हासिल रही जिसकी वजह से शायद मुझे अपना काम करने में बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी रही। नो डाउट कि कहीं ना कहीं जो है वो कुछ लोगों के रवैये थोड़े से रूड भी होते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जब फर्स्ट टाइम मैं रिपोर्टिंग में आई थी तो F10 में हम लोग एक शूट कर रहे थे, बॉक्स पॉप्स मुझे चाहिए थे, तो मैंने एक खातून से कहा कि मुझे आपके सिर्फ 2 मिनट चाहिए। मैंने उन्हें माइक आगे किया तो उन्होंने मुझे कहा जाओ बेटा माफ़ करो। तो चूंकि स्टार्ट था तो मुझे बड़ा उस टाइम एम्बेरसमेंट महसूस हुई और मेरी आंखों में लिटरली उस टाइम आंसू थे कि ये कौन सा तरीका है बात करने का। लेकिन अब बहुत दफ़ा बहुत से रूड अंदाज में भी लोग बात करते हैं, लेकिन आप वक्त के साथ चीज़ों को सीख जाते हैं कि कोई अगर आपसे बदतमीज़ी कर रहा है तो आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है, और कोई आपसे रूड बिहेव कर रहा है तो आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है। क्योंकि हम लोग चूँकि प्रोफेशनल हैं, हमारा काम हर जगह पर लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, ना हम हर किसी की गाली का जवाब गाली से और बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से भी ऑब्वियसली नहीं दे सकते। तो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है जो कि हम अंदर से समटाइम कुड़ भी रहे होते हैं कि इसने इतनी बड़ी बात कह दी। लेकिन चूंकि प्रोफेशन ऐसा है तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हुकाम की अगर बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो क्राइम रिपोर्टिंग ज्वाइन करने से पहले मेरे जहन पर जो पुलिस का एक इंप्रेशन था वो बिल्कुल डिफरेंट था। तब मुझे लगता था कि शायद थाने में जो भी जाता है तो उसके साथ बदतमीज़ी से ही पेश आया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितनी दफ़ा भी गई हूँ, मैं अपने ज़ाती काम से मुझे कभी इतफाक़ नहीं हुआ किसी थाने के चारी में जाने का। लेकिन ये है कि ऑफिशियल काम के लिए जब भी मैं किसी भी पुलिस ऑफिसर के ऑफिस उनका इंटरव्यू करने गई हूँ या किसी भी काम के लिए गई हूँ तो बड़ा कोऑपरेटिव उनका जो है वो रवैया था और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सब डील करते हैं। नो डाउट कि अभी आपको मेरे चेहरे पे एक स्माइल नज़र आ रही होगी तो आपको हंसता मुस्कुराता मेरा चेहरा जो है वो नज़र आ रहा। लेकिन जो क्राइम की बीट के लिए जो आपको चाहिए होती है कि आपके एक दिबंग किस्म का रवैया, एक दिबंग किस्म का आपका एटीट्यूड, आपकी ड्रेसिंग, सारी चीज़ें आपको उस हिसाब से करनी पड़ती हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो मेरे चेहरे पर स्माइल देख रहे हैं ये सिर्फ इस वक्त के लिए है। जिस तरह की सिचुएशन होती है मेरे रिएक्शंस भी वैसे ही होते हैं।
अगर किसी से कोई इज्जत से बात करता है तो कोशिश ये होती है कि उससे डबल इज्जत से बात करें। लेकिन जैसे रिपोर्टर्स का एटीट्यूड होता है कि आपको समटाइम आपको कहीं ना कहीं रूड होना पड़ता है, क्योंकि इंसिडेंट कुछ इस तरह के होते हैं कि आपकी बात अगर कहीं नहीं सुनी जा रही होती और एक साइड पर आपके एक ऐसा बंदा खड़ा है कि जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है और दूसरी साइड पर कुछ सुन नहीं रहा, तो ऑब्वियसली आपका एटीट्यूड जो है वो चेंज होता है। सबसे कोशिश यही होती है कि बहुत अच्छे तरीके से बात करें, लेकिन इसका मतलब कभी भी ये नहीं हुआ कि शायद हम किसी से जो है वो दब जाएंगे या किसी के प्रेशर में आ जाएंगे। प्रेशर जो है ना वो बर्दाश्त करना सबसे बड़ा जो है वो मसला है क्राइम की बीट में, कि आप पर जब आपके ऑफिस की तरफ से भी प्रेशर आ रहा हो, आप पर जो है वो फील्ड की तरफ से भी प्रेशर आ रहा हो, तो चारों तरफ से उस प्रेशर को हैंडल करके काम करना बड़ा टफ होता है। लेकिन कोशिश मैं पूरी करती हूँ कि इस तमाम तर प्रेशर के बावजूद अपनी जो कारकर्दगी है वो बेहतर से बेहतर कर सकूँ और क्राइम के स्पेशली जितने भी मामलात हों उनको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकूँ। मेरी कोशिश हमेशा से ये रही है कि हरासमेंट अगर किसी भी फीमेल को अगर इस तरह का कोई इशू फेस करना पड़ा है तो उसको मैं सबसे मेरी टॉप प्रायोरिटी होती है कि अगर मैं इसकी कोई हेल्प कर सकूँ, क्योंकि ख्वातीन जब अपने घरों से निकलती हैं काम करने के लिए तो मैं सब लोगों की बात नहीं कर रही, लेकिन चंद एक लोग शायद ये सोचते हैं कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो चुकी हैं तो आते जाते उनको कॉमेंट्स पास करना, उनको हरासा करना, फिर बदतमीज़ी करना, फिर उल्टे सीधे मैसेजेस करना, तो इस तरह की अगर कोई केस मेरे पास आए तो उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे उनका साथ दिया जाए और अगर उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि उसे मैं करूँ।